everyone, this is Ruchi from Focus Overseas Education. Right now I'm in Bogomolet National Medical University. Aur abhi mere saath yahan pe Akash hai, Akash choudhary. Akash, aap kahan se ho? India mein? India mein, UP se. Aur abhi aap yahan pe kaun se year ke student ho? Third year ke student. Akash, aap mujhe bataoge ki aap Bogomolet aapko kaisa laga 3 saal ka apna experience bataiye. Bogomolets ये मुझे normal लगा है. अगर हम लोग Indian University से comparison करते हैं तो Indian University से उतना better नहीं रहा है. But अगर आप जैसे कि कई students होते हैं, अगर उन्हें Indians कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी attempts दिए थे और मुझे colleges वगैरह नहीं मिले थे. Government colleges के लिए मैंने काफ़ी कोशिश किया था तो मुझे उसमें नहीं मिला था. मैंने और प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि अगर वहाँ पे मेरा नहीं निकल पाया. इट्स ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन बट अपार्ट फ्रॉम इंडिया बट नॉट गेटिंग इफ यू नॉट गेटिंग अ गवर्नमेंट सीट इन इंडिया देन इट्स द बेस्ट प्लेस यू कैन थिंक ऑफ. आप मुझे यहाँ का स्टडी पैटर्न, जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी नॉर्मल आपकी थियोरेटिकल क्लासेस चलती हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और उसके आगे आपको कैसे कैसे पैटर्न होते हैं? सर्जरी की क्लासेस बहुत बढ़िया हुई है हम लोग की. सर्जरी में हम लोग को ले जाया जाता है सर्जिकल डिपार्टमेंट में. वहाँ पे लाइव हम लोग की जब सर्जरी होती थी तो हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते थे और एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत बढ़िया रहा है. मीन्स आप लाइव सर्जरी देखते हो? यस, आपको दिखाई जाती है? डेफिनेटली. ओके, तो ये भी अच्छा बात है कि आप एक सर्जरी देख सकते हो वो भी लाइव है, जो कि आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम आती है. अभी आप थर्ड ईयर में, तो मैं बता दूँ लोगों को कि यहाँ पे यूक्रेन में आपका थर्ड ईयर और सिक्स ईयर में आपको क्रोक का एग्ज़ाम होता है, तो आप मुझे क्रोक के बारे में कुछ बताइए. थर्ड ईयर के एंड में जैसे कि क्रोक का एग्ज़ाम, सेमेस्टर के एंड में क्रोक का एग्ज़ाम सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा. जी, सबको देना पड़ेगा. ये होता किस चीज़ के लिए? और ये एक फ़ाइनल एग्ज़ाम, एक कॉम्पाइलेशन समझ सकती हैं. जैसे वन टू थर्ड ईयर में आपने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सब आने वाला है. लगभग 200 क्वेश्चंस होते हैं और यू हैव टू अचीव लाइक 64% टू पास दैट एग्जाम, 65% टू पास दैट एग्जाम. इट इज़ नेसेसरी, मोर देन 120. या यू हैव टू अटेम्प्ट्स फॉर द क्रॉस एग्जाम. सो ये आपको देना पड़ता है यहाँ पे, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है? नहीं, अगर आप पढ़े तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट अचीविंग 65% इज नॉट वेरी डिफिकल्ट आई थिंक. एक्चुअली अगर आप यहाँ पे क्रोक देते हो ये आपको MCI में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपका रिवीजन प्रॉपर चलता है इसमें. जो आपका सिक्स ईयर का क्रोक होता है उसमें पूरा ऑल सिक्स ईयर का आता है. सिक्स ईयर का क्रोक? हाँ, उसमें सारा आता है. तो वो मेरे ख्याल से MCI के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि MCI में भी आपको पूरा सिक्स ईयर का कोर्स जो आपका इंक्लूडेड होता है, तो वो उसमें आपको एक तरफ से एक तरफ प्रैक्टिस भी चलती रहती है. तो अच्छा, मुझे आप यहाँ USMLE का एग्ज़ाम होता है, तो आप उसके लिए भी कुछ ट्राई कर रहे हो? फिलहाल USMLE के लिए मेरा प्लान्स है देने के लिए, बट फिलहाल मैं फोकस कर MCI पे करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मेन एम है MCI. ओके, तो आप MCI के लिए यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा क्या करते हो? इंडिया की बुक्स हैं जो मैं लाया हूँ, जैसे एटलस वगैरह है, अपनी पर्सनल बुक्स हैं, जैसे आप पर्सनल स्टडी करके BD चौरसिया है ये सब, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, और जैसे कि कॉलेजेस जो प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे Bogomolets की जो कुछ बुक्स हैं वो उससे पढ़ लेता हूँ. आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी मेडिकल बुक्स पढ़िए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा MCI को क्रैक करने में, क्योंकि जो डेटा वो चेंज नहीं हो जाएगा. कोई भी बुक पढ़े वो सेम रहेगा. तो अभी आपको, जब आप इंडिया में थे तब आपको लगता था, जब आप यहाँ आए ऑब्वियसली आपको भी लगा होगा कि MCI क्लियर करना पड़ेगा यहाँ आने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्रॉड में एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आने के बाद भी उनको MCI क्लियर करना पड़ेगा, जो कि इंडियन स्टूडेंट को नहीं देना पड़ता है. 2019 जो MCI का जो पास परसेंटेज है जो वो काफ़ी बढ़ गया, लाइक 19% हो चुका है. पहले वो भी सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में पहले जो 2017-18 में जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें MCI का जो पासिंग रेट लगभग 5-6% था. लेकिन पहले क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड भी था, अभी थोड़ा इजी कर दिया गया है, तो जो पासिंग जो परसेंटेज है वो काफ़ी 19-20% बढ़ चुका है. और वैसे भी अब MCIVIL जो नया आया है उसके साथ तो अब इंडियन को भी देना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे FGMC का लोग कहते थे, मतलब जो फॉरनर्स को देना पड़ता था एग्ज़ाम, वो भी अब उनको भी देना और इंडियंस को भी देना है. तो अब ये भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में.
तो अब ये आपके लिए अच्छा, आप बताइए आपको इस न्यूज़ से कितनी आपको मतलब कैसा लगा कि जब आपको लगा कि अब इंडियंस को भी वही एग्ज़ाम देना है जो आपको देना है? ये जो पार्शियलिटी है अब वो नहीं रहेगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको लास्ट चीज़ पूछूंगी, अभी आप यहाँ पे दीपक सर के थ्रू आए हो, इस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया था, तो अभी क्या फीडबैक देना चाहोगे आप? दीपक सर टीचर भी रहे हैं और मेरे बहुत ही मेरा बहुत हेल्प किया था यहाँ पे, उन्होंने कॉलेज चूज़ करने में भी मुझे बहुत बड़ा हेल्प किया था। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे बहुत परेशान था, जैसे कि मैं जब यहाँ पे आया था बोगोमोलेट्स में आया था, तो मैं आने के बावजूद भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। उसमें उन्होंने बहुत हेल्प किया क्योंकि पहले मैं कॉलेज चूज़ कर चुका था कि बोगोमोलेट्स, फिर मेरा यहाँ पे मैंने घुमा फिर ओडिशा भी गया था, उन्होंने खुद अपने पॉकेट मनी से मुझे सब इधर उधर घुमाया था, तो ये नेचर उनका बहुत अच्छा था, कोई और होता तो मुझे नहीं लगता ये करता। रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ ऑब्वियसली। अच्छा आप जो बच्चे वहाँ पे अभी नीट के एग्ज़ाम है, जितने कंसल्टेंसी होती है वो लोग पूरा बात बताते नहीं है यहाँ पे, जैसे कि क्रॉक के बारे में बहुत लोग नहीं बताते हैं स्टार्टिंग में कि स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप कैसा है यहाँ का, जैसे कि कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, यहाँ का फूड कैसा है, ये सब जल्दी कोई नहीं बताना चाहता है, बट उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था यहाँ के बारे में। ऑलरेडी पता था कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं? ऑब्वियसली अगर एक मेंटल प्रिपरेशन होता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी आप नीट के जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हो उनको कोई कुछ कहना चाहोगे उनके लिए मैसेज? क्योंकि इस साल भी 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, उसमें से कितने बच्चे पास होंगे, कितने बच्चों को मेडिकल सीट मिलेगी, हम ये कुछ नहीं कह सकते, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज? उनके लिए क्या मैसेज है, जितना पढ़ सकते हैं वो लोग पढ़ें अपने मन से, क्योंकि मुझे ये श्योर बात पता है सबका नहीं निकलने वाला है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट आप दे रहे हो, अगर नहीं निकल रहा कोई दिक्कत नहीं, सेकंड नेक्स्ट अटैम्प्ट ट्राई करो, उसमें भी नहीं निकल रहा है तो फिर इफ़ यू थिंक इफ़ यू आर क्लोज, इफ़ आर गेटिंग अ वेरी हाई मार्क्स लाइक 540, 560 मार्क्स रुके हो, या अगर आप इतना क्लोज हो तो देन थिंक अबाउट गिविंग द नेक्स्ट अटैम्प्ट, बट अगर आप बहुत ही मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आई थिंक यू शुड टेक डिफरेंट कॉलेज, ट्राई टू थिंक अबाउट इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर मेडिकल फील्ड, योर मेडिकल फिर अगर आप दो तीन अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट किए थे उसमें नहीं हुआ था, और मैंने फिर जैसे कि टाइम भी बढ़ते जा रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं लेना ही है, तो मैंने फिर अब्रॉड के लिए सोचा, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स अग्री नहीं होते हैं इस बात से, क्योंकि अब्रॉड इज़ अनसेफ फॉर देयर सन और डॉटर्स, सो नो आई डोंट, मुझे नहीं लगता अनसेफ है क्योंकि काफ़ी सेफ है ये बीइंग हियर, मुझे भी ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये अनसेफ है, इट्स सेफ फॉर सन एंड डॉटर्स।